हालात ये हो गए कि चीन जो दिवाली पर सबसे ज्यादा बिजनेस भारत से कमाता था, अब वो नुकसान पा रहा है। एक बार फिर एक और दिवाली चीन के लिए नुकसान भरी साबित हुई। पिछले कुछ सालों से दिवाली और धनतेरस पर चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड जमकर घटी है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की डिमांड ने जिस तरीके से इजाफा किया है, उसके बाद हर कोई ये देखकर हैरान है कि कैसे चाइनीज प्रोडक्ट पर से भारत की निर्भरता घट चुकी है। इस तरह है कि जब इंडिया में ये अवेयरनेस पैदा की गई, ये ट्रेंड चलाई गई और ये कहा गया कि इस मरतबा चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं उसका बायकॉट करना है, तो चाइना को जो लॉस हुआ है उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया जो कोट कर रहा है वो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 50,000 करोड़ 50,000 पूरे देश में, ना केवल व्यापारी बल्कि जो आम कंज्यूमर है उसके भी चाइना के माल के प्रति विरक्ति हुई है। और यही एक कारण है कि साल दर साल चाइना का जो सामान हिंदुस्तान आता था उसमें लगभग ना के बराबर अब वो उत्पाद आने लगे हैं। सबसे अच्छी चीज के इस बार वो इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स लोग ने कम पसंद की, दिए ज्यादा पसंद किए जो कि मेड इन इंडिया थे। चाइनीज प्रोडक्ट्स इस बार ज्यादा नहीं बिके। चाइना को 30,000 करोड़ का लॉस हुआ है। और ये जो करंट सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में कि वो चाइनीज चीजों को बायकॉट कर रहे हैं क्योंकि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा, यानी कि अपने मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू चीजों को बने हुए ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, तो उन्होंने बायकॉट करने के अलावा पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये एक बहुत बड़ा टूल है, यानी ये कि आप ये देखिए कि अब चाइना और इंडिया, इसके बावजूद कि दोनों के बीच इतनी राइवलरी है, वो ये जानते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करते हैं। वही पिछले साल ये आंकड़ा 40,000 करोड़ का था, उससे पिछले साल ये आंकड़ा 30,000 करोड़ का था। तो कुल मिलाकर के इसमें बहुत बड़ा योगदान देश के सभी लोगों का भी है, जो एक शिफ्ट आया है उनके परचेजिंग बिहेवियर में कि अगर वो बाजार में जाते हैं तो अब ये पूछते हैं कि ये सामान चाइना का तो नहीं है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आपको तो पता ही है कि दीपावली का सीजन चल ही रहा है, मैं कहूँगा बीता नहीं है अभी, अभी कल ही दीपावली बीती है। कुछ लोग तो आज ही मना रहे, तो उनको भी हैप्पी दिवाली, उनका परिवार खुश रहे मस्त रहे। लेकिन इसी बीच भारत ने 2 गुना झटका, पिछले साल भारतीय मार्केट से चाइना को 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ था भारतीय रुपीस में। इस बार भारतीयों ने जम के लोकल को सपोर्ट किया, अब मेड इन इंडिया इक्विपमेंट्स को सपोर्ट किया, मेड इन इंडिया लाइट दियास, मेड इन इंडिया पटाखे, ये सब यूज़ किए गए। तो इस बार चाइनीज प्रोडक्ट का जम के बायकॉट हुआ और चाइना को दीपावली के अवसर पे 1.25 लाख करोड़ का घाटा हुआ भारतीय मार्केट से, यानी भारतीयों ने चाइना की चीज़ ही नहीं खरीदी। तो भाई ये बहुत खुशी की बात है कि हम पूरे भारतीय लोग अपने दुश्मन को पहचानते हैं, साइलेंट किलर चाइना को पहचानते हैं कि वो सामने से दोस्ती का नाटक करता है लेकिन पीछे से अटैक करने में माहिर है। ठीक है, हमारे ही पैसे हमारे ही मार्केट से बना के अपने आर्मी पे लगा के अपने ही आर्मी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो बहुत सही जवाब दिया भारतीयों ने इस बार। और इसी तरीके से यार, एक बैग हम चाइना को काउंटर नहीं कर सकते, इसी तरीके से धीरे धीरे हर फील्ड में हम चाइना को काउंटर करेंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा भारत चाइना से आगे, पाकिस्तान जाहिर सी बात है जलेगा इस पर। आप ये सोचिए कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो अरबों में है, उसकी वजह से वो पॉपुलेशन, उसकी स्ट्रेंथ भी किस तरह है। वो इस तरह है कि जब इंडिया में ये अवेयरनेस पैदा की गई, ये ट्रेंड चलाई गई और ये कहा गया कि इस मरतबा चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं उसका बायकॉट करना है, तो चाइना को जो लॉस हुआ है उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया जो कोट कर रहा है वो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ का लॉस हुआ इस मरतबा चाइना को। लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ फिगर्स हैं, कहीं पर ये भी लिखा गया है कि 7 to 8 billion dollars जो है वो लॉस हुआ है चाइना को इंडिया की इस एंटी चाइना इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, कि जो उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस मरतबा बाय नहीं की गई। ये एक बहुत बड़ा टूल है, यानी ये कि आप ये देखिए कि अब चाइना और इंडिया, इसके बावजूद कि दोनों के बीच इतनी राइवलरी है, वो ये जानते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करते हैं। और शायद इसको अगर हम एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें, कि लार्जर स्पेक्ट्रम में देखें, तो हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि शायद यही इकोनॉमिक पॉलिसीज़ या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने की पॉलिसी जंग को रोके रखेगी, जंग नहीं होने देगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होने देगी। इस तरह की चीज़ें भी हम सोच सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव इसका एंगल है। लेकिन क्योंकि हम इस वक्त ये बात करें कि किसी भी नेशन के लिए उसकी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो हैं वो उसको किस तरीके से कितना फ़ायदा पहुँचा सकती हैं,
अगर हम पाकिस्तान को लें तो पाकिस्तान को इसको इस तरह देखना चाहिए कि क्या हम इससे कोई फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये चीज़ हमें कुछ सोचने पर मजबूर करती है। मसलन अगर हम ये देखें कि जो इंडिया और चाइना के बीच एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है वो क्या है, इंडिया बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स टू चाइना आर कॉटन, और दूसरी भी हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कॉटन मैंने इसलिए कहा कि पाकिस्तान भी ये समझता है कि पाकिस्तान तो कॉटन में मालामाल है, बहुत अच्छी कॉटन पैदा होती है पाकिस्तान में, लेकिन हम कॉटन को अपनी दूसरों के लिए अपनी वीकनेस नहीं बना सके ना, यानी दूसरे जो है वो हमसे कॉटन इम्पोर्ट करें और वो हम पे डिपेंड करें, हम अपने आप को वहाँ तक नहीं पहुँचा सके, वहाँ पर नहीं ले जा सके। क्यों ऐसा है? अच्छा, ले दे कि हमारे पास एक ही चीज़ रह जाती है और वो है स्पोर्ट्स का सामान, कि जी जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है वहाँ पर देखिए पाकिस्तान का फुटबॉल जाता है, कितनी अच्छी किस्म का, हम कितने ज़बरदस्त किस्म के फुटबॉल बनाते हैं कि वहाँ पर वर्ल्ड कप वाले जो है वो हमसे लेते हैं और वो इसको यूज़ करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको अब इसी एक बात को रगेटते हुए बहुत अरसा गुजर गया है, बहुत अरसा, हम इससे हमें निकल कर बहुत ऊपर चले जाना चाहिए था और इसको भी बढ़ा के बहुत ऊपर लेकर जाना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि बीच में एक दो साल ऐसे भी हुए कि कुछ वजूहात की बिना पर उन्होंने हमसे नहीं लिया, किसी और कंट्री से जो है वो फुटबॉल लेकर जो है वो इस्तेमाल किए। ये अब हम जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और यहाँ पर इतनी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पैदा होती हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम दूसरे कंट्रीज़ को जो है ये सिखा सकते थे कि वो हम पे डिपेंड करें, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी जो है हमारे पास कमी हो रही होती है और हम दूसरों की तरफ देख रहे होते हैं, और जो अपने मुल्क के अंदर पैदा हो रहा होता है वो भी हम दूसरों से मंगवा रहे होते हैं, ख़रीद रहे होते हैं उनसे। और दूसरी तरफ आप इंडिया को देखिए कि जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन रखता है, इसके बावजूद उसकी वहाँ पर जब ट्रेड होती है तो चाइना जैसा कंट्री जो कि उसका जो है वो दुश्मन समझा जाता है, वो भी उसके सामने घुटने टेकने पर इंडिया के सामने मजबूर हो जाता है, कहेंगे हम लोग। लेकिन आपको भी पता है कि जहाँ पर ग्लोबल इश्यूज वहाँ पर क्रिएट थे आज से पहले चाइना और इंडिया में, लेकिन जो इंडिया वो इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है कि अब चाइना को भी उनके साथ हाथ मिलाने पड़ेंगे। जो मर्जी हम कर ले, हम कहें कि हमारा जितना भी अच्छा चाइना दोस्त है वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि अब जो AI का जो दौर चल रहा है वो AI जो सारा रिसोर्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है इंडिया की तरफ, और उसके अलावा भी इतनी बड़ी वो मार्केट बन चुकी है, इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट बन चुकी है कि जहाँ पर पाकिस्तान को एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है वहाँ पर। अभी हम लोग अपने आप को जो हम कहते हैं कि हम लोग बहुत बड़े, हम लोग तो अपनी जो लेजिस्लेशंस हैं और अपने जो कानून है वहाँ तक महदूद नहीं रह सके, हम तो लोग तो अपने आप को भी अभी तक वहाँ पर ग्रो नहीं कर सके, तो हमारे साथ चाइना क्यों चलेगा? आप ये बताएं हमारे साथ चाइना क्यों चलना चाहेगा? चाइना ने एक बार भी पाकिस्तान की तरफ देखा भी नहीं, इंडिया के साथ हाथ मिलाते वक्त बहुत सारे पाकिस्तानी ये गिला करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि भाई एक बार पाकिस्तान से मशवरा करना चाहिए था चाइना को। भाई क्यों चाइना पाकिस्तान से मशवरा करता? उसने अपना फ़ायदा देखा, अपना मफाद देखा, और वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। बिल्कुल वो ठीक कर रहे हैं अपने वो पब्लिक के लिए भी और इंटरनेशनल ग्लोबल थिंकिंग के लिए भी वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम लोग जो हैं हम लोग भी अभी उसी सोच में डूबे हुए हैं कि हमारे पीछे कौन खड़ा हुआ है। हमारा जो कंट्री है 76 साल से चैरिटी पे चल रहा है, हम लोग हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि लोग हम लोग अपने कदमों पे आज तक खड़े हो सके, तो हमारे साथ चाइना क्यों चलेगा? ठीक है, ये एक मेन इशू है। उसके अलावा जो है वो उनका एक अपना भी फॉरेन पॉलिसीज उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है और उनकी फॉरेन पॉलिसीज इंडिपेंडेंट है, वो लोग किसी के मतहत नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ तो हम लोग अगर कोई डिसीजन लेते हैं रशिया उधर से, फिर चाइना, और फिर उसके बाद US से जो है उनकी इंटरप्शंस होती हैं, तो हम लोग तो बढ़ पाते ही नहीं जब तक, उस वक्त तक हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे जब तक हर इंस्टीट्यूट अपना अपनी डोमेन में रह के काम नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लगा लें कि 4 साल से अभी तक जो है वो पॉलिटिकली इतने हम लोग गिर चुके हैं कि ठीक है हमारी ओवरऑल ऑल द वर्ल्ड कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंसल्ट्स होती हैं, वो बाहर जाते हैं उनके साथ क्या क्या बिहेवियर उनके, ओवरऑल हम एज अ पाकिस्तानी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं PTI या नून लीग को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन
हमें बुरा लगता है इस चीज से कि सर, इन सियासतदानों ने ना तो अपनी इज्जत छोड़ी है, ना ही पाकिस्तानियों की इज्जत छोड़ी है, ना ही पाकिस्तान की इज्जत छोड़ी है। अब आप देखें कि मुझे लगता है यहाँ पे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि किस तरह चाइना और इंडिया ने अपने क्लैशेस को एक तरफ रख कर जो है आपस में जो है ताल्लुकात बेहतर कर लिया। अब देखें कि कितने अरसे से दोनों मुल्कों के दरमियान बायलेटरल रिलेशनशिप जो थे वो जमे हुए थे, अब दोनों मुल्कों में खुल्लम खुल्ला ट्रेड भी हो, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हमारा फायदा आपस में